हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का न्यू वीडियो में। और दोस्तों, एक YouTube वीडियो बनाने के लिए सबसे अहम होता है वो वीडियो का वॉइस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं होता है तो वीडियो कितना भी अच्छा बना हो लेकिन वीडियो लोगों को कम ही पसंद आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा माइक लेकर आ चुके हैं जिसे हम इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे इसकी क्वालिटी और ये किस कंपनी का हमने ये परचेज किया हुआ है। इस वीडियो में पूरा आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड टू एंड वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा, आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड, चलिए मैं इस प्रोडक्ट का करता हूँ अनबॉक्सिंग जो कि मैंने अमेजोन से इसे मंगाया हुआ है। चलिए इसे हम ओपन करते हैं। पहले हम इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे बोया का मंगाया हुआ जो कि आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये बोया का है। ये हमारा है बोया M1, ये बोया का M1 मॉडल है जो कि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिससे का पैकेजिंग इसका भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का यूज करते हैं। चलिए मैं इसको देखा इसके अंदर कितना बड़ा केबल हमें मिलता है, ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए कुछ यहाँ तरीके से हम इसे ओपन करेंगे। कर लेने के बाद वो इसके अंदर हमें दो एक एनवलप मिलता है, एक इसका गाइडलाइन मिलता है और एक हमें इसके अंदर बैग मिलता है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ और हमें मिलता है क्या दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हमें यहाँ पर बोया का स्टिकर भी मिला हुआ है। इस यहाँ पर एक मैनुअल मिला हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, ये एक मैनुअल है जो कि कुछ इसमें दिया हुआ है कैसे इसे आपको यूज करना है। तो इसे फ्रेम रखते हैं। और एक हमें यहाँ पर मिला है आई डी कार्ड मिला हुआ जो कि आप इजीली यहाँ पर साथ देख सकते होंगे, दिख रहा होगा। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर में क्या मिलता है। इससे थोड़ा सा बैग मिलता है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इस पर एक इसके अंदर में मिलता है छोटा सा और जो है स्टिकर मिलता है। और यहाँ पर इसके अंदर एक सिल्का जेल मिल जो कि ये चीज़ से ख़राब इसके अंदर कीड़ा ना लगे। और तो ये हमारा माइक है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस जो है बाकी यूट्यूबर्स ने इसका दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से मैंने इसे परचेस किया हुआ है। जो कि लगभग ये 3 मीटर ये लंबा होता है केबल ये। और एक हमें पैकेट और मिला है, स्कैन देते हैं हमें क्या मिला हुआ है। एक हमें यहाँ पर एक जैक और मिला हुआ है जो कि ये किसी और काम में आता है, बड़ी मशीनों में ये लगता है, एक जैक और मिला हुआ है। और हमें यहाँ पर एक मिला है जो उसके ऊपर जैक ऊपर लगता है, एक फोम मिला हुआ है जिस जो कि वॉइस को बैकग्राउंड वॉइस को कम कर देता है नॉइस को। तो एक हमें ये मिला हुआ है। और इस पैकेट के अंदर हमें एक सेल मिला जो कि उसके अंदर लगे कैसे लगे मैं आपको बताऊंगा। और एक हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप मिली जो कि यहाँ पर कॉलर पे से लगाया जाता है इसके अंदर। चलिए मैं इसे पर सेल डाल के आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें सेल लगता है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ओपन करना होता है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल को ओपन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पहले हम सेल को ओपन कर लेते हैं। तो सेल को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर सेल को डाल देना है। सेल डालने में यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने में यहाँ पर एक बटन मिलता है ऑन और ऑफ का जो कि आप यहाँ से देख सकते होंगे, इसे हम यहाँ पर ऑन कर देंगे। और यहाँ पर हमारा ये ऑन हो चुका है, वो अपने मोबाइल से अटैच कर दिया। और आप बताइए इसका वॉइस कैसे लग रहा है, एकदम क्लियर वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करूँगा आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जो आपको इस चीज़ से रिकॉर्डेड मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।